So now let us take some more transactions and try to understand the process of generalizing. I am writing one more transaction. लास्ट में हमने सेल्स का एक ट्रांजेक्शन देखा हुआ था. अब देखो मैंने आपको बता दिया है डेट कैसे लिखना है, तो अब मैं डेट की जगह पे नंबर दे रहा हूं ताकि थोड़ा स्पीड में जा सके हम. तो मान लो कि हमको नंबर वन ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और बोला हुआ है गुड्स ऑफ रुपीज 4000, गुड्स ऑफ रुपीज 4000 सोल्ड टू मिस्टर जैन. अब इस ट्रांजेक्शन में आप देखो हमने सेल्स किया है और मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप सेल्स करो तो एक अकाउंट तो आपका सेल्स का बनेगा ही, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा क्योंकि सेल्स इज इनकम. वी आर रिसीविंग द इनकम बाय सेलिंग द गुड्स, दैट्स व्हाई सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. ऑलवेज सेल्स क्रेडिट ही होगा क्योंकि सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स से हमको इनकम होती है. तो आप सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे. अब सवाल ये होता है कि डेबिट क्या करना है. तो आप इस ट्रांजेक्शन को देखो, एक कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट है? क्रेडिट. वेरी गुड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सही है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्योंकि नाम दिया हुआ है और आपको आजू बाजू में कुछ बताया नहीं हुआ है, इसलिए मिस्टर जैन हमारा जो है यहाँ पे कस्टमर है. हमने मिस्टर जैन को माल बेचा हुआ है और जब आप किसी कस्टमर को गुड्स सेल करोगे तो कस्टमर को अगर क्रेडिट में माल सेल करते हो, क्रेडिट में गुड्स सेल करते हो, तो वो हमारा डेटर बन जाता है. अकाउंटेंसी में उसको बोलते हैं डेटर. अगर किसी को उधार माल बेचा है देन ही इज अवर डेटर. तो एक पर्सन है एंड दैट पर्सन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, वो हमारा गुड्स रिसीव कर रहा है. तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जाएंगे तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए आप उसको डेबिट करोगे. अब आप अगर वो मॉडर्न रूल्स से जाते हो तो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से ही हमारा डेटर हो गया, मतलब उससे हमें पैसा लेना है, तो वो हमारी असेट हो गई. डेटर इज वन टाइप ऑफ करंट असेट जिससे पैसा कलेक्ट करना है. तो इस ट्रांजेक्शन से हमारी एक करंट असेट बढ़ गई. करंट असेट वो होती है जो दो तीन महीने में हमको कैश में कवर हो जाती है. तो ये डेटर से हमें दो तीन महीने में पैसा मिलने वाला है, तो ही इज अवर डेटर. तो इट इज वन टाइप ऑफ करंट असेट. और असेट अगर बिजनेस में बढ़ता है तो उसको डेबिट करना है. तो दोनों तरीके से आंसर तो वही रहेगा. आप पर्सनल का रूल अप्लाई करो तो डेबिट द रिसीवर. तो मिस्टर जैन इज रिसीवर, तो मिस्टर जैन का अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर. और डेबिट के कॉलम में आप 4000 लिख दोगे. सेकंड, यहां पे गुड्स सेल किया है तो सेल्स करने से हमारे को इनकम होगा. तो सेल्स अकाउंट इज वन टाइप ऑफ रेवेन्यू अकाउंट. तो सेल्स अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे. और एक छोटी सी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड. अब कुछ लोग आगे भी लिखते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू जैन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, पर ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि नाम दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में, मतलब ये क्रेडिट में ही सेल हुआ है. आप चाहो तो लिख सकते हो बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये भी चलेगा. पर एक बार जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये नहीं लिखा जाता है. बाद में आपको एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देना है पर्टिकुलर्स में. तो ये हो गया हमारा सेल्स का ट्रांजेक्शन. अब एक और ट्रांजेक्शन ले लेता हूं. देखो आगे इसमें हमको जीएसटी भी ऐड करना है क्योंकि अब तो जीएसटी आ गया है. तो जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो उसमें जीएसटी का एंट्रीज भी आएगा. और जीएसटी में दो तरह का है, एक तो स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी. आपने माल खरीदा होगा तो देखा होगा आपने, उसमें दो तरह के वर्ड्स होते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी. तो उसकी भी हमें एंट्री करना है. अभी हम सिंपल वाली एंट्री सीख रहे हैं.
पर आजकल तो जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी वाली एंट्रीज भी हमें सीखना पड़ेगा। तो वो बाद में लेंगे, पहले सिंपल वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार क्लियर हो जाता है सिंपल एंट्रीज, बाद में वो भी हम लेंगे, और वही एप्लीकेबल भी है। चलो अब एक और ट्रांजेक्शन में ले रहा हूं, नंबर टू। अब मैं नंबर दे रहा हूं क्योंकि डेट में टाइम जा रहा है, इसलिए डेट कैसे लिखना है वो आपको पता चल गया है। तो चलो हम ले लेते हैं कैश रुपीस 3000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक में से 3000 का कैश विड्रॉ किया। अब आप सोचो, एक तो कैश है हमारे पास अकाउंट, और दूसरा बैंक से विड्रॉ किया, तो दूसरा बैंक अकाउंट है। दो अकाउंट है हमारे पास, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब जब कैश की बात करोगे तो रियल अकाउंट को एप्लीकेबल होगा, और रियल अकाउंट बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप जब विड्रॉ करोगे बैंक से पैसा, तो आपके बिजनेस में कैश आएगा। तो एंट्री में कैश अकाउंट बोलो डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? डेबिट डेबिट करोगे, क्योंकि कैश कम्स इन द बिजनेस, तो आपको कैश अकाउंट डेबिट करना है। अच्छा, दूसरा अकाउंट बैंक है, आपने कैश विड्रॉ किया तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक ऑल्सो वन असेट, अगर मॉडर्न के रूल से जाओगे तो बैंक असेट है, पर ट्रेडिशनल के रूल से जाओगे तो बैंक पर्सन है। रूल कोई भी अप्लाई करो आंसर वही रहेगा, कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए 3000 को हम डेबिट करेंगे। और दे रहा कौन है? बैंक दे रहा है। तो अगर मैं पर्सनल का रूल अप्लाई करूं तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, एंड इन दिस ट्रांजेक्शन बैंक इज द गिवर। वो हमें दे रहा है 3000, हमने विड्रॉ किया, बैंक ने दिया, तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। अगर इससे भी समझ में नहीं आता तो आप मॉडर्न रूल से जाओ। मॉडर्न का रूल बोलता है कि बैंक बैलेंस कम होगा, आपने विड्रॉ किया तो आपका बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस एक असेट है, और जब असेट कम होती है, असेट डिक्रीज होती है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। असेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, कम होगी तो क्रेडिट। तो यहां चाहो ना तो आप असेट वाला रूल अप्लाई कर सकते हो मॉडर्न का, दोनों। देखो कैश बैलेंस बिजनेस में बढ़ा तो असेट बढ़ गया तो डेबिट किया, बैंक बैलेंस बिजनेस का कम हुआ, असेट कम हुआ तो क्रेडिट किया। दोनों में आप मॉडर्न का रूल अप्लाई कर सकते हो असेट का। पर्सनल के रूल का अप्लाई करना है तो बैंक में पर्सनल वाला रूल आ जाएगा, और कैश में रियल वाला रूल आ जाएगा। मतलब कोई भी रूल्स आप अप्लाई करो आंसर विल रिमेन सेम, बीइंग कैश विड्रॉन। ये आपका हो गया नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो अब थोड़े में बैंक वाले ट्रांजेक्शन ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि बैंक के ट्रांजेक्शन की एंट्रीज कैसे होती है। तो एक और ट्रांजेक्शन में आपको बता देता हूं, कैश रुपीस 5000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक और पर्सनल यूज। मान लो आपको ट्रांजेक्शन में ऐसा दिया है कि पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ हुआ, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया है। किसका पर्सनल यूज? तो ओनर का पर्सनल यूज, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है। तो एक बात तो यहां पे वो क्लियर है कि कैश बिजनेस में आ रहा है, पर पीछे पर्सनल यूज लिखा है, तो अब कैश बिजनेस में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? ओनर के घर में जाएगा। तो बिजनेस में तो कैश आ ही नहीं रहा है अब, क्योंकि इट इज फॉर द पर्सनल यूज, अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस के लिए उसने बैंक से विड्रॉ किया। तो जब ओनर पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ भी बैंक में से विड्रॉ करता है अमाउंट, तो वो हो जाएगा ड्रॉइंग्स, उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। एक्चुअली उसने बैंक से विड्रॉ नहीं किया है, उसने हमारे बिजनेस से विड्रॉ किया है, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा बिजनेस का बैंक बैलेंस है, वहां से उसने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो इसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे।
और देने वाला बैंक है। ऑलवेज रिमेंबर ड्रॉइंग इज वन टाइप ऑफ अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अमाउंट इज विदड्रॉन बाय द पर्सन दैट इज ओनर, इसलिए उसको डेबिट करोगे आप। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज डेबिट द रिसीवर का रूल आएगा एंड द रिसीवर इज द ओनर, सो ड्रॉइंग अकाउंट को आप डेबिट करोगे। ऑलवेज ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज दिस ड्रॉइंग इज मेड बाय द ओनर एंड ओनर इज द पर्सन। तो ले कौन जा रहा है? ओनर ले जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए आपको उसको डेबिट करना है। अब सवाल है क्रेडिट क्या करोगे? तो देखो वो हमारे से कैश नहीं ले जा रहा है, वो हमारे बैंक का बैलेंस ले जा रहा है घर पे। तो बैंक इज द गिवर, सो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि बैंक का बैलेंस हमारा कम हो गया, ओनर ने पैसा विड्रॉ किया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। और बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। हम बिजनेस के लिए एंट्रीज लिख रहे हैं, ओनर के लिए नहीं। इसलिए आपको ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है और बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। अब यहां पे आप पर्सनल यूज लिख सकते हो, या तो ऐसा लिख सकते हो बीइंग कैश विड्रॉन बाय ओनर। आ रहा है समझ में? यस। ओके चलो इसी तरह का बैंक का और एक ट्रांजेक्शन ले लेता हूं मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बैंक का एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं हम। ओनर, या तो आप उसको प्रोपराइटर भी बोल सकते हो, ओनर ऑफ बिजनेस या तो प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस ब्रॉट एडिशनल कैश इन बिजनेस एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। बिजनेस का ओनर बिजनेस में एडिशनल कैश लाता है। जब बिजनेस स्टार्ट किया तब वो कैश लाया था जिसको हमने कैपिटल नाम दिया था। जब भी ओनर कुछ लाता है बिजनेस में तो कैपिटल होता है। यहां पे वो फिर से कैश लेके आ रहा है। फिर से मान लो वो 50,000 रुपया बिजनेस में जरूरत है तो ला रहा है, तो 50,000 रुपीज वो बिजनेस में ला रहा है। मतलब अमाउंट इज गिवन बाय द ओनर, और जब भी ओनर कुछ असेट लाता है बिजनेस में तो उसे कैपिटल कहेंगे, और बिजनेस से अगर वो कुछ ले जाता है तो उसे ड्रॉइंग बोलेंगे। तो वो हमारा थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन ड्रॉइंग का था। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कैपिटल वाला बता रहा हूं। ड्रॉइंग में ओनर बिजनेस से ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, जबकि कैपिटल में ओनर बिजनेस में कुछ असेट लेके आता है। जैसे कि हाँ वो 50,000 रुपीज लेके आया और बैंक में जमा करवा दिया उसने, हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसने अमाउंट जमा कर दी। तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट बन रहे हैं। एक अकाउंट आपका बन रहा है बैंक, क्योंकि बैंक रिसीवर है, रुपया बैंक में गया है। और दूसरा अकाउंट बन रहा है कैपिटल, क्योंकि अमाउंट ओनर लेके आया है। जब भी ओनर अमाउंट लाएगा तभी कैपिटल अकाउंट आएगा। तो अब आपको यह सोचना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा या कैपिटल अकाउंट। सोचो तो रूल अप्लाई करो बैंक और कैपिटल के लिए। कैपिटल मतलब पर्सनल रूल, बैंक मतलब पर्सनल रूल, दोनों में पर्सनल रूल अप्लाई हो सकता है। चलो कौन बताएगा? बोलो तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, बैंक रिसीवर है। ओनर ने पैसा जमा कराया, बैंक रिसीवर है।
पर्सनल का रूल क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहां बैंक रिसीवर है, तो 50,000 बैंक को रिसीव हुआ है, इसलिए बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे क्योंकि बैंक इज द रिसीवर। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो यहाँ मॉडर्न का रूल अप्लाई करना है। कोई बात नहीं, जब आप 50,000 रुपीज बैंक में जमा करोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस एक असेट है, असेट बढ़ेगी तो डेबिट होगा। तो रूल आप कोई भी अप्लाई करो आंसर तो वही रहेगा। तो बैंक अकाउंट 50,000 से आपका बढ़ गया बैंक बैलेंस, असेट बढ़ गई इसलिए डेबिट किया। या तो आप ऐसा सोच सकते हो बैंक इज द रिसीवर सो डेबिट द रिसीवर। अच्छा कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, तो आप लिख सकते हो टू ओनर, पर अकाउंटेंसी में इसके लिए वर्ड है, जब भी ओनर को देता है तो उसको हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ओनर जब कुछ भी लाता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। मॉडर्न का रूल्स अगर आप देखोगे तो मॉडर्न के रूल्स में लिखा हुआ है कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे और कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से मॉडर्न का रूल्स या तो ट्रेडिशनल रूल कुछ भी आप अप्लाई करो और बाद में आप इसका सिंपल सा नरेशन लिख दोगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय ओनर और ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। तो अब हम थोड़ा पीपीटी के ऊपर जाते हैं क्योंकि अब मुझे आपको बताना है लेजर अकाउंट। अब मुझे आपको लेजर कैसे बनाना है वो बताना है। जर्नल तो रोज आता ही रहेगा क्योंकि जर्नल के बगैर लेजर होगा नहीं। तो अब हम थोड़ा लेजर के बारे में समझ ले। तो हमारा जर्नल और लेजर दोनों साथ में चलेगा। अच्छा आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। देखो मैंने आपको बताया था जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटेंसी। अब हम बात कर रहे हैं लेजर की, तो लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटेंसी। वन मार्क के एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जाता है जर्नल कौन सी बुक है, तो वो बेसिक बुक है, प्राइमरी बुक है, जबकि लेजर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटेंसी है। लेजर में क्या होगा, लेजर में हम अकाउंट्स बनाएंगे। अब अकाउंट कैसे बनाना है वो अब हमें सीखना है। जैसे अब मैंने आपको बता दिया जर्नल कैसे बनाना है, उसी तरीके से अब मैं आपको आगे बताऊंगा लेजर में अकाउंट कैसे बनाना है। हम बहुत बोल दिए अकाउंट अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, अब हम ये सीखेंगे कि अकाउंट होता कैसा है वो यहाँ पे हमें सीखना है। तो इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दैट अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। तो लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स हो गए, मैं यहां बोल रहा हूं बहुत सारे अकाउंट्स हो गए, जितने ट्रांजेक्शन हो गए उतनी जर्नल एंट्रीज होगी और जर्नल एंट्रीज में जितने आपने अकाउंट डेबिट क्रेडिट किए होंगे उतने अकाउंट्स यहां बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत लेंथी काम है, इसलिए इसके लिए सेपरेट पर्सन अपॉइंट होता है। एक अकाउंटेंट होता है मेन पर्सन जो जर्नल एंट्रीज लिखता है, और दूसरा उसका असिस्टेंट होता है उसके अंडर में जो जर्नल एंट्रीज को ध्यान में रख के लेजर में अकाउंट बनाता है और उसमें पोस्टिंग करता है। जर्नल में रिकॉर्डिंग होता है उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, जबकि यहाँ पे पोस्टिंग करना होता है, अकाउंट में पोस्टिंग होता है। तो इसके लिए दो अलग अलग इंसान होते हैं। अगर बिजनेस स्मॉल है तो एक ही बंदा कर लेगा, पर अगर बिजनेस बड़ा है तो उसमें ज्यादा अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व हो गए। बहुत बार जो बीकॉम कर रहे हुए बच्चे होते हैं जिन्होंने जस्ट बीकॉम कंप्लीट किया होता है उनको भी इस काम में जॉब मिलता है, पोस्टिंग का काम उनको दिया जाता है, क्योंकि पोस्टिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जर्नल के ऊपर से पोस्टिंग करना होता है, बहुत सिंपल वर्क है पर थोड़ा लेंदी है क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज होती है और सभी एंट्री का पोस्टिंग करना होता है।
तो उनको ये जॉब मिलती है. अ लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जर्नल प्रॉपर इन वेरियस स्पेशल जर्नल. तो इसमें बहुत सारे अकाउंट्स हो गए. द बुक विच कंटेन्स अकाउंट इज नोन एज द लेजर. जिस बुक में सारे अकाउंट्स हम बनाएंगे उसको लेजर बोलेंगे. तो ये हमारी दूसरी बुक है. हमने पहली बुक सीखा, मैंने आपको बताया जर्नल बुक. ये दूसरी बुक है जिसका नाम है लेजर. दोनों के कॉलम्स भी अलग है. जर्नल के कॉलम आपको पता चल गए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. अब यहाँ पे कॉलम्स थोड़े अलग है. एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री. सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री में जाएगा, जर्नल में. दिस एंट्री इज पोस्टेड अगेन इन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट. बाद में उसमें लेजर में उसका पोस्टिंग होगा अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल फ्रॉम द जर्नल. एंड दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग. और उसको पोस्टिंग कहेंगे. मतलब लेजर में जो अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस है उसे पोस्टिंग कहा जाता है, जो हम यहां पे सीखने वाले हैं. अच्छा, हमारा नेक्स्ट है लेजर और जर्नल के बीच में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. तो मैंने अभी आपको बताया वही सारे पॉइंट्स है. अच्छा, स्क्रीन चेंज हुआ, जरा बताना. स्क्रीन चेंज हुआ, डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है. ओके. अच्छा चलो, दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं. जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है. तो देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री ओरिजिनल एंट्री. सबसे पहले जर्नल में एंट्रीज पास होती है. वेयर इज द लेजर इज द बुक ऑफ सेकंड एंट्री. क्योंकि जर्नल बनेगा तभी लेजर बन पाएगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेजर पहले बना दो, पहले जर्नल एंट्रीज होगी बाद में लेजर बनेगा. हाँ, अभी क्या है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं. जैसे कि अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन दे दे और ऐसा बोल दे कि आप लेजर बनाओ, तो मैं लेजर बना सकता हूँ विदाउट जर्नल एंट्री. बिकॉज आई नो कि व्हाट विल बी द एंट्री. तो माइंड में एंट्री सोचूंगा और लेजर में पोस्टिंग कर दूंगा. पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. बुक्स का रिकॉर्ड रखना होता है, इसलिए पहले जर्नल बनेगा बाद में लेजर. तो वो फर्स्ट एंट्री है, सेकंड एंट्री है. अच्छा, जर्नल में मैंने आपको बताया अभी कि सभी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज लिखना है, आपको सीक्वेंस में लिखना है. तो जर्नल इज द बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड. सीक्वेंस में आपको रिकॉर्ड रखना है. आप डेट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि डेट ऊपर नीचे होगी तो पीछे फिर पोस्टिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा. और पोस्टिंग जो होता है वो मंथ वाइज होता है, मंथ वाइज बैलेंस निकाला जाता है अकाउंट्स में. तो इसलिए डेट मेंटेन करना है सीक्वेंस. द लेजर इज द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड. हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में, उसका एनालिसिस करने के लिए. इसलिए बोला गया है कि लेजर इज द एनालिटिकल रिकॉर्ड. चीज वही है पर उसको अकाउंट में बताएंगे. द जर्नल एज ए बुक ऑफ सोर्स एंट्री गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज ए लीगल एविडेंस देन द लेजर. अब बहुत बार कोर्ट में इश्यूज हो जाते हैं कस्टमर के, क्रेडिटर्स के, कोर्ट केस होते हैं. तो उस टाइम पे जब कोर्ट में आपको प्रूफ देना हो तो उस वक्त जर्नल इज द वैलिड बुक कंपेयर टू लेजर. क्योंकि जर्नल के ऊपर से लेजर बनता है एंड दैट्स व्हाई जर्नल इज द वैलिड बुक. कोर्ट में भी उसको मान्यता दी गई है. ट्रांजेक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द जर्नल. अच्छा, जर्नल के लिए आपको ट्रांजेक्शन आपके पास होने चाहिए. और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ट्रांजेक्शन क्या होता है. तो वाउचर जो होते हैं हमारे पास, जो बिल्स होते हैं, जो इनवॉइस होते हैं, पे इन स्लिप होता है, उससे हमें पता चलता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है. अभी मैं आपको लिख लिख के बता रहा था कि गुड्स सोल्ड, कैश परचेस एंड ऑल दिस. तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता है. रियलिटी में तो बिल्स होते हैं, वो बिल को देखना है, इनवॉइस को देखना है, और उसके ऊपर से जर्नल एंट्री पास होती है. तो जर्नल बनाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन चाहिए, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए.
जबकि यहां लिखा है अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द लेजर, जबकि लेजर बनाने के लिए आपने जर्नल में कौन से अकाउंट बनाए हैं उसको बेस में लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। जर्नल में हम जर्नलाइजिंग करते हैं और लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। तो ये डिफरेंस है, थ्योरेटिकल थोड़ा पॉइंट था। अब हम समझने जा रहे हैं अकाउंट कैसे बनते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्मेट ऑफ लेजर, जिसमें मैंने एक अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि दो हिस्सों में ये बटा हुआ है। लेफ्ट साइड पे डीआर लिखा है जिसका मतलब डेबिट है, राइट हैंड साइड पे सीआर लिखा है जिसका मतलब क्रेडिट है। आपका जो पेज होगा उसको मिडल में से फोल्ड करना होता है। मिडल निकालने के बाद लेफ्ट साइड चार कॉलम आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। यहां पे देखो जर्नल फोलियो आया। जब हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी तो वहां पे लेजर फोलियो आता था, और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि वहां का पेज नंबर यहां लिखा जाएगा और ये वाला पेज नंबर वहां लिखा जाएगा, क्योंकि बुक है बहुत सारे पेजेस हो गए, तो कौन से पेज पे पोस्टिंग हुआ है वो जर्नल में लिखा जाएगा और कौन से पेज पे जर्नल एंट्री पास की है वो लेजर में लिखा जाएगा। सेम कॉलम्स क्रेडिट साइड पर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अकाउंट्स बनाया जाता है। अब मैं आपको फिर से व्हाइट बोर्ड से समझाऊंगा कि अकाउंट कैसे बनते हैं। तो अब हम हमारे सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं। ऑलरेडी हमने ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेजर अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले हमारे पास एंट्री होनी चाहिए, जर्नल एंट्री। तो मैं एक इमेजिनरी एंट्री लिख के आपको दे देता हूं। मान लो 1 फरवरी 2022 का हमारे पास एक जर्नल एंट्री है, ऑलरेडी है, ऐसा मान के चलते हैं। हमने कुछ ऐसा एंट्री लिखा है, मान लो कैश अकाउंट डेबिट 5000, इस तरीके से एक एंट्री लिखा हुआ है, ऐसा समझ के चलते हैं, टू सेल्स अकाउंट। मतलब एक कैश सेल्स का मैंने एंट्री आपको रेडीमेड दे दिया है कि ऐसा एक एंट्री आपने लिखा हुआ है। अब हम इस एंट्री से समझने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से लेजर अकाउंट्स बनेंगे। तो देखो यहां पे दो अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट है, दूसरा सेल्स अकाउंट है। ऐसे बहुत सारी एंट्रीज होगी, बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम जो बुक बनाएंगे उस बुक का नाम होगा लेजर, और इस लेजर बुक में बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। अकाउंट में यहां पे आपको दो ड्रॉ करके बता देता हूं। थोड़ा छोटा लूंगा मैं क्योंकि स्पेस है नहीं मेरे पास यहां पे। अकाउंट के लिए उसको मिडल से आपको इस तरीके से लेना है मिडल उसका, और दोनों साइड पे इस तरीके से अकाउंट आएंगे, कॉलम्स आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, और यहां पे आएगा जर्नल फोलियो नंबर और लास्ट वाला अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट।
पर याद रखना है आपको आपके बुक के पेज को फोल्ड करना है और मान लो इसको मैंने बना दिया है कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट मैंने बनाया है, ये हो गया कैश अकाउंट। उसी तरीके से मैं बनाऊंगा दूसरा अकाउंट जर्नल एंट्री को देख के सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अभी ड्रॉ कर देता हूं, उसी तरीके से पेज को फोल्ड करना है। कॉलम्स भी उसी तरीके से बनेंगे। दोनों साइड आप देख सकते हो चार चार कॉलम दिए हैं। अच्छा, जिस कॉलम को छोटा बताया है वो जर्नल फोलियो का कॉलम है, उसकी बहुत जरूरत नहीं होती, उसमें खाली एक नंबर लिखना होता है, पेज नंबर, इसलिए वो थोड़ा सा पतला होता है, बहुत थीन लाइन उसमें लेते हैं। अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा लेना होता है क्योंकि अमाउंट हमें लिखनी होती है, पर्टिकुलर्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है। अच्छा, बाद में आपको क्या करना है, दोनों अकाउंट के टॉप पे लिखना है डीआर एंड सीआर, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। कॉर्नर पे लिखना होता है, कॉर्नर पे आप लिखोगे डीआर एंड सीआर, मतलब एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है। तो आप देख सकते हो डीआर और सीआर लिखा हुआ है, कॉर्नर पे लिखना होता है। तो अकाउंट किसे बोलते हैं, तो अकाउंट में दो साइड होता है, डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, जितनी आपने एंट्रीज की उतने अकाउंट बनेंगे। अब हम कॉलम्स की बात कर ले, तो मैंने जिसे आपको बताया पहला कॉलम डेट का होता है, बाद में पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है, फिर आएगा जर्नल फोलियो का नंबर, यहाँ पे लेजर नहीं आएगा, जर्नल फोलियो आएगा, फिर अमाउंट आएगा, अमाउंट का कॉलम बनेगा। अमाउंट का कॉलम बनने के बाद फिर से डेट वाला कॉलम आ गया, फिर पर्टिकुलर्स, फिर से जर्नल फोलियो नंबर और लास्ट में अमाउंट। तो इस तरीके से आपके कॉलम्स बनेंगे। उसी तरीके से नीचे के अकाउंट में भी लिखना होता है। चलो, हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, तो हमारा ट्रांजेक्शन है, ये हमारा ट्रांजेक्शन है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो देखो इसका पोस्टिंग कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, तो जो ऊपर मैंने कैश अकाउंट बनाया है उस कैश अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आप डेट लिखोगे, जैसे कि 1 फरवरी, डेट लिखा आपने 1 फरवरी, और डेबिट साइड पे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपको ऑपोजिट अकाउंट लिखना होता है, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में आपको इस ट्रांजेक्शन की अमाउंट लिखनी होती है। और जो सेल्स अकाउंट है उस सेल्स अकाउंट को हमने एंट्री में क्रेडिट किया है, तो सेल्स अकाउंट जो नीचे मैंने बनाया है उस सेल्स अकाउंट में वही डेट आप डालोगे और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे, ऑपोजिट अकाउंट लिखना है। सेल्स अकाउंट बना रहा हूं तो कैश अकाउंट लिखना है, कैश अकाउंट बनाया तो उसमें सेल्स लिखा, तो यहां पे ऑपोजिट अकाउंट आएगा कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड जब आप लिखो तो बाय वर्ड यूज होता है, बाय कैश, क्रेडिट में बाय वर्ड यूज होता है, डेबिट में टू वर्ड यूज होता है। ये पोस्टिंग का रूल है, अमाउंट वही रहेगी। तो ये हो गया हमारा पोस्टिंग, इसको बोलेंगे पोस्टिंग। कैश अकाउंट डेबिट किया तो डेबिट साइड आपको लिखना है ऑपोजिट अकाउंट, मतलब सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है तो ऑपोजिट साइड आपको लिखना है कैश अकाउंट। चलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
समझ में आ रहा है पोस्टिंग कैसे करते हैं? से करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ओके चलो एक और ट्रांजेक्शन लेता हूं, एक और ट्रांजेक्शन में आपको बता देता हूं, एक दूसरी एंट्री में लिख देता हूं। देखो जर्नल एंट्री सब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ट्रांजेक्शन के बगैर, क्योंकि मुझे अभी पोस्टिंग बताना है। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं 2 फरवरी का, और उसमें मान लो आपको जर्नल एंट्री इस तरीके से दिया है। मान लो आपको ऐसा बोला है, परचेस अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश। तो ये एंट्री आपको दिया है कि आपने गुड्स परचेस किया है कैश में 5000 का, 5000 का गुड्स परचेस किया है। ये ट्रांजेक्शन, ये एंट्री है। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक तो परचेस अकाउंट बनेगा, एक तो कैश अकाउंट बनेगा। मेरा कैश अकाउंट बना हुआ है तो अब मुझे बनाना होगा परचेस अकाउंट। तो जितने आपकी एंट्रीज है उतने अकाउंट बनेंगे। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं परचेस अकाउंट। मेरा परचेस अकाउंट हो गया। अच्छा जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ऊपर टॉप पे डेबिट क्रेडिट लिखना होगा, तो सबसे पहले तो डेबिट लिखना है, फिर इस साइड हम क्रेडिट लिखेंगे, डीआर और सीआर लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया परचेस अकाउंट। चलो इसका पोस्टिंग करेंगे। देखो एंट्री में परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है। अब परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड आप डेट डालोगे जो दिया है वो 2 फरवरी, और परचेस अकाउंट के डेबिट साइड आप ऑपोजिट अकाउंट लिखोगे। कौन सा अकाउंट लिखोगे? ऑपोजिट अकाउंट, सामने वाला अकाउंट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में आप लिख दोगे 5000। अभी आपको वहां पे जर्नल फोलियो में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि वो नंबर है नहीं हमारे पास। कैश अकाउंट आपका यहाँ क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखोगे, डेट के कॉलम में 2 फरवरी, और कैश क्रेडिट साइड आप बताओगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आप ऑपोजिट अकाउंट बनाओगे और क्रेडिट साइड लिख रहे हैं इसलिए लिखना है बाय परचेस अकाउंट।